हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमिक वर्ल्ड। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी मेरे चैनल पर टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी जो अपकमिंग एग्जामिनेशन में आ सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियोस में डाल रहा हूं, उसी के सीरीज का आज ये सेट नंबर 3 है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, दिस इज द सेट नंबर 3। तो बिना कुछ देर के मैं बस आप लोगों को इतना कहना चाहूंगा कि प्लीज अगर आप चाहते हो कि आपका अपना एप्टीट्यूड का सेक्शन स्ट्रांग हो, मैथमेटिक्स का सेक्शन स्ट्रांग हो, जिसको लेकर आप एग्जामिनेशन में अक्सर फंबल करते हो, क्योंकि आप ये देख लो कि बनाने का अप्रोच क्या होना चाहिए। क्योंकि अंडर 10 के मैथमेटिक्स सारे लोग बना लेंगे, लेकिन कौन कितनी जल्दी बनाता है और क्या तरीके से बनाता है वो इंपॉर्टेंट करता है। तो बिना कुछ देर किए आज का पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ला रहा हूं। आप उसको पहले वीडियो को पॉज करना, फिर उसको बनाने की कोशिश करना और ये देखना कि आपने क्या अप्रोच यूज किया है और आपने बनाने में कितना टाइम लिया है। क्योंकि उसके बाद जब मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा तो आपने देखना कि ये बेस्ट अप्रोच है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी को फॉलो अप करने की कोशिश करना। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलना। आइए पहला क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। यहां पर आप ध्यान दोगे कि ये क्या है, 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। यहां पर बहुत लोग इसमें फंबल करते हैं कि आखिर इसमें मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाला जाए। यहाँ ये क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। अगर यहीं पे ये मिनिमम वैल्यू पूछता तो कैसे निकालते हैं। तो इन सब का आंसर है, जैसे आप देखो, जब भी यहाँ पर आपको नॉर्मल में साइन और कॉस रहे और उसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम पूछी जाए तो इसका होता है क्या, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 24 स्क्वायर और प्लस 7 स्क्वायर। यानी इसको आप सॉल्व करोगे तो ये जो भी आएगा, ये प्लस वाले साइन के साथ आपका जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, और माइनस वाले साइन के साथ जो भी वैल्यू माइनस वाले साइन के साथ जो भी वैल्यू आएगा वो आपका कैसा वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। फर्दर यहाँ पे पूछा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, दैट मीन्स प्लस के साथ इसको करेंगे तो कितना आएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, एज वी ऑल नो दैट दिस इज 625, और 625 का अंडर रूट अगर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 25। That means कि ये 25 प्लस में इसका मैक्सिमम वैल्यू होता। यही अगर पूछा जाता व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, देन इसका क्या होता, माइनस के साथ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि अगर यहीं पे साइन के साथ स्क्वायर हो और कॉस के साथ भी स्क्वायर हो, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट इक्वेशन। ये आपका होमवर्क है, ये कमेंट में बताना, और अगर ना आए तो मुझे कमेंट में ये भी करना कि सर प्लीज नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर बता देना। ओके, आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, This one is the second question. ये क्या कहता है? A sum of money travels itself in triple itself. ये typo error है. ये triple itself in 15 year, 6 month. In how many years would it double itself? अब कहता है कि कोई धन राशि है. ये आपका simple interest का question है. कहता है कि 15 years 6 month में, यानी 15 साल 6 महीने में वो अपने आप की ट्रिपल हो जा रही है. तो आप बताओ कि वो अपने आप की डबल कब होगी? जब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, कितने सही वे में बताऊंगा कि यहाँ पे मान लो कि आपके पास टोटल प्राइस क्या था, टोटल अमाउंट क्या था, पी, और वो क्या हो गया है, 3P हो गया। दैट मीन्स कि इसमें कितना इंटरेस्ट ऐड हुआ है, 2P ऐड हुआ है। इसमें ऐसा ही अगर पूछा जाए, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2P का है। तो यहां से सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, SI, दैट मीन्स 2P इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी, यानी कि आपका मूलधन यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो, इनटू टाइम। टाइम यहां पर कितना है, 15 इयर्स 6 मंथ। अगर मैं इस 15 इयर्स 6 मंथ को लिखूंगा तो ये हो जाएगा 15 होल 1/2, और इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 31/2। तो इसको जब मैं 31/2 लिखूंगा तो यहाँ 31 और यहां पर क्या हो जाएगा, 2। दैट मीन्स इन सारे चीज को पी से पी कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 400/31। यानी इसको मैं लिख देता हूं कितना, 400/31। तो ये जो 400/31 आया वो क्या आया, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। पूछ रहा है क्या कि वही जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट पी था वो अपने आप का डबल कब होगा। तो देखो, जब ट्रिपल हो रहा था तो यहां पर इंटरेस्ट क्या था, 2P, और जब पी से अगर 2P होगा तो यहां पर इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल पी। तो यहां पर अगर मैं निकालू, यहां पर जब हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया है, 400 अपॉन में 31, तो 31 ऊपर चला जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करूंगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल और पी कैंसिल,
दैट मींस आ क्या गया हमारा 31 अपॉन में 4। ये जो आया है यहाँ पर आंसर है नहीं, तो यहाँ पर क्या है ईयर और मंथ में। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 4 7 जा 28, 7 टाइम्स में जाएगा और उसके बाद बचेगा कितना 28 और 3 अपॉन 4, तो 7 होल 3/4। अभी भी यहाँ पर आंसर नहीं है, बहुत लोग यहाँ के बाद फंबल करते हैं, लेकिन पूरा आपको बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 7 ईयर आ गया और 7 ईयर किस में है ऑप्शन बी में। अदरवाइज आप इस 3/4 को क्या करो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 3 12 और 3 3 कितना मंथ आ गया 9 मंथ, जो कि 7 ईयर 9 मंथ यहाँ पर आंसर है। तो ये तरीका आप देखना कि पहले मैंने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, पी से ट्रिपल हुआ तो 3p, 2p आ गया, पी से 2p हुआ, पी आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हियर, ये क्या कहता है, ए 2 वर्ष के लिए बी को 5,000 रुपए और 4 वर्ष के लिए सी को 3,000 रुपए ब्याज की समान दर पर साधारण ब्याज पर उधार देता है और ब्याज के रूप में दोनों में से 2,200 रुपए प्राप्त करता है। यहाँ देखो ए ने क्या किया है, बी और सी को कुछ पैसे दिए हैं। बी को वो जब पैसे दे रहा है तो देखो ए दे रहा है बी को, ए जब बी को देता है तो वो क्या दे रहा है वो देखता हूं मैं। तो ए 2 वर्ष के लिए बी को देता है तो मान लो कि 5,000 और ये देता है 2 वर्ष के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर नहीं है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या लेट कर लूंगा आर और अपॉन में 100 और ये तो किसको दिया वो बी को दिया और प्लस वो जब सी को देता है तो सी को कितना दे रहा है 3,000 रुपीज, तो यहां पर क्या करूंगा 3000 और इनटू ये कितने ईयर के लिए दे रहा है सी को 4 वर्ष के लिए, तो यहां पे इनटू 4 हो जाएगा और यहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आर अपॉन में 100 और ये दोनों टोटल मिलाकर उसको कितने मिलते हैं 2200। आप इंग्लिश से भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो, सो टोटल कितने मिल रहे हैं 2200। तो अब जब इस चीज को पूरा आप सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आर आ जाएगा। तो ऐसे ही बनाने की कोशिश करो कि एक लाइन का सॉल्यूशन हो आपका। अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी चीज नहीं है, आप यहां से 2 0 2 0 कैंसिल कर सकते हो, यहां से भी 2 0 2 0 कैंसिल कर दे, ये कितना हो गया 52 जा 100 आर और यहां कितना हो गया 34 जा 120, 100 और 120 कितना हो जाएगा 220 आर इज इक्वल्स टू 2200 और यहां से आप 220 और 220 कैंसिल कर दोगे तो ये बचेगा कितना आर इज इक्वल्स टू 10%। अब ये मत बोलना कि सर ये कोई कट करने का तरीका नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को ये छोटे मोटे चीजों को नहीं बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ कि अप्रोच क्वेश्चन को हैंडल कैसे करते हैं एग्जामिनेशन में। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 10%, जो कि आई थिंक ऑप्शन यहाँ होना चाहिए, यस ऑप्शन नंबर डी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है, एक साहूकार को ज्ञात होता है, दैट मींस अ मनी लेंडर फाइंड्स दैट ड्यू टू ए फॉल इन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 8 to 7 होल 3/4, यानी 8% से 7 होल 3/4। जैसे ये होल में रहे नंबर, तो इसको यहीं पे कर लो, 7 4 या 28 और 3 31 अपॉन 4 की बात हो रही है और यहाँ क्या है 8, यानी कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 8 था और अब क्या हो गया 7 होल 3/4। ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है। His yearly income diminished by ₹61.50. ऐसा करने से उसका yearly income क्या हो रहा है, वो घट जा रहा है। तो yearly income वो जो घट रहा है, अब उसको देखते हैं कि कैसे handle होते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, आपके पास तो principal amount कुछ है नहीं, तो वही तो पूछ रहा होगा शायद, तो उसकी पूंजी कितनी थी। तो सपोज दैट कि उसकी प्रिंसिपल अमाउंट हमने पहले क्या ले लिया पी, और शुरू में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 8 और एक साल के लिए कुछ भी हो रहा था 100 के हिसाब से माइनस, फिर वही प्रिंसिपल अमाउंट पर अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 31/4, तो ये हो गया 31 अपॉन में 4 कर देते हैं और इनटू यहां भी 1 ईयर के लिए और डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू, ऐसा करने से और ऐसा करने से उसको टोटल जो है वार्षिक आय कितना कम हो जाता है 61.50। तो यहां पर हम क्या कर देंगे 61.50। अब बस इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यहां से देखो 8p हो जाएगा 100 LCM, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 into 100 और 32p minus 31p is equals to 61.50 और इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा 100, this 100 cancel
और ये 32p-31 ये टोटल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा p, और यानी कि p का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 20 2 6 और 4 6 24 यानी 24,600 इज देयर इज ऑप्शन यस 24,600। तो ये तरीका देखो, अब यहाँ पर भी आप बोलोगे सर ये इतना कैलकुलेशन आपने कैसे इतने जल्दी में कर लिया, तो एग्जामिनेशन में आपको करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जहां आप इसमें लेट करिए तो वैसे ही आपका मालूम चला कि जहां दो क्वेश्चन आप और बनाते वहां आप क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे। तो प्लीज इसी अप्रोच को फॉलो करना कि आपको ये कैसे बनाना है। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 4। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज कमेंट करते रहो, कमेंट करके बताते रहो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को ट्राई करूं सॉल्व करने का और आपको प्रॉब्लम ना आए। 5 यहां क्या कहता है, एक ट्रेन एक्स स्टार्ट्स फ्रॉम द मेरठ, यानी एक ट्रेन है जो कि कहां से स्टार्ट कर रहा है, मेरठ से स्टार्ट कर रहा है, एट 4 PM, ये कितने बजे स्टार्ट कर रहे हैं, 4 PM में, एंड रीचेस गाजियाबाद एट 5 PM, और गाजियाबाद कितने बजे पहुंच रहा है, 5, यानी 4 बजे चला और 5 बजे पहुंच गया। अब कहता क्या है कि वाइल अनदर ट्रेन वाई स्टार्ट फ्रॉम, यहां से ये एक्स की कहानी है और वाई की कहानी अब स्टार्ट होती है कि ये भी 4 बजे गाजियाबाद से चला और यहां पर ये कितने पहुंचा, 5:30, यानी कि ऑल टुगेदर इसने कितना समय लिया, इसने 1 घंटा लिया और इसने कितना लिया, इसने 4 बजे और 1:30, यानी कि 3/2 hours ये लिया, 1.5 घंटे का समय ये लेता है। अब यहां पे ध्यान दो कि इसको कितने अच्छे से मैं विदाउट एक्स, विदाउट टेकिंग एक्स और वाई मैं बनाऊंगा, और प्लीज आप इस मेथड पर ध्यान देना। पूछता क्या है कि चना 5:30 में पहुंचते हैं तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को किस समय पर मिलेगी, तो मिलने का हमको पता है टोटल डिस्टेंस बाई दोनों का स्पीड को हम लोग कर देंगे कि दोनों अपोजिट में तो ऐड कर देंगे। यहां देखो कि जब स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो यहां पर एक चीज कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द मेरठ एंड गाजियाबाद, तो मेरठ और गाजियाबाद के बीच का डिस्टेंस अगर कॉन्स्टेंट है तो स्पीड और टाइम का क्या होगा, रेसिप्रोकल एक दूसरे का होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर ये 1/1 है तो यहाँ स्पीड जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ ये 3/2 है तो यहाँ स्पीड जो इसका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2/3, कोई एक्स वाई नहीं लेना है। अब ये 1 है, ये 2/3 है, चूंकि ये फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कैंसिल, ये कितना आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया, 3 आ गया, दैट मीन्स कि फ्रेश यहाँ पर स्पीड हो गया 3 और ये हो गया 2, तो ये हो गया स्पीड और ये हो गया स्पीड और ये हो गया टाइम, टाइम, और हमको पता है स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो अगर 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरठ और गाजियाबाद के बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 3, और दोनों के बीच का स्पीड अगर निकालना हो तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो दोनों के स्पीड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो दोनों के स्पीड को अगर प्लस करते हैं तो 3+2 यहाँ क्या हो जाएगा, 5, 3/5, ये आवर्स में आया है, इसको हमको किस चीज में लाना है, मिनट में, तो मिनट में करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 से 12 टाइम में 36 मिनट के बाद ये लोग आपस में क्या करेंगे, मीट करेंगे। अब देखो 4 बजे चल रहे हैं और 36 मिनट, ये भी 4 बजे चल रहा है, तो 4:36 में ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, मीट करेंगे, यानी 4:36। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, जो भी ना समझ में आए प्लीज मुझे कमेंट करके आप बताओ कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यहां पे ध्यान दो कि 2 गुड्स ट्रेन ईच 500 मीटर लॉन्ग रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक। अब देखो दो जो है ट्रेन 500 मीटर लॉन्ग है और दोनों एक पैरेलल ट्रैक पर अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर एक 45 की स्पीड से और एक 30 की स्पीड से, तो दोनों के स्पीड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आगे देखते हैं क्या करना होगा, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू पास द ड्राइवर ऑफ द फास्टेस्ट वन, यानी कि एक दूसरे को पास नहीं करना है, एक ट्रेन में अगर कोई ड्राइवर यानी फास्टेस्ट ट्रेन का ड्राइवर जो है उसको स्लोअर ट्रेन कितने देर में पास करेगी, तो स्लोअर ट्रेन को पास करना है, यानी जो ड्राइवर है उसके विड्थ को हम लोग नेग्लिजिबल लेंगे, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस उसको कितना चलना होगा, ये ड्राइवर है तो ये ट्रेन, बस ट्रेन की इतना चलना होगा, तो ट्रेन का डिस्टेंस क्या है 500, और इसको जब हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये 1/2 किलोमीटर आएगा, हाफ किलोमीटर, तो यहां पे मैं क्या करता हूं 1/2 किलोमीटर और डिवाइडेड बाई टोटल, ये डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस अपॉन में क्या करना है मुझे, दोनों के स्पीड्स को प्लस करना है, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन बोलता है, तो ये क्या हो जाएगा 75, तो ये 1/2 × 75 आ गया,
लेकिन यहाँ पर क्या चीज में सेकंड में और ये क्या चीज में आया आज में, तो इसको हम क्या करेंगे इनटू 60 मिनट के लिए और फिर 60 करेंगे, ये क्या हो गया सेकंड। अब इसको सब सॉल्व करेंगे तो 15 5 75 और 15 4 60 और 5 से ये फिर कितने टाइम्स में 12 टाइम्स में और 2 से ये कितने टाइम्स में 6 टाइम्स में, यानी 6 4 24 सेकंड और यस देयर इज ऑप्शन बी। देखो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता रहा हूं तो कितना टाइम लग रहा है 10 से 15 सेकंड, इसलिए प्लीज आप ध्यान देना कि यही अप्रोच आपको एग्जामिनेशन में यूज करना है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अ ट्रेन मूव पास्ट अ टेलीग्राफ पोस्ट। अब फिर यहां पर क्या आ गया टेलीग्राफ पोस्ट, तो ये टेलीग्राफ पोस्ट है और ट्रेन को इसको पास करना है तो ऑब्वियस सी बात है केवल डिस्टेंस क्या होगा इसका होगा, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। एंड अ ब्रिज, तो देखो यहाँ दो बात है, यानी कि जब वो टेलीग्राफ पोस्ट को पास करेगा तो केवल हमने ट्रेन के डिस्टेंस को मान लिया डी और वो जिस स्पीड से चल रहा है उसको मान लिया एस, और ऐसा करने से उसको कितना टाइम लग रहा है 8 सेकंड का टाइम लग रहा है, डी बाई एस क्या हो गया एस 8। और जब वही एक ब्रिज को जो कि ब्रिज कितना है 264 मीटर लॉन्ग है उसको जब अपने स्पीड से पास करता है तो उसको कितना टाइम लगता है, यहाँ पर दे रखा है 20 सेकंड का, तो ये हो गया 20। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व फॉर डी एंड एस, बट हियर व्हाट विल बी द नीड, हमारा नीड क्या है केवल स्पीड को फाइंड आउट करना, तो डी को हटाइए तो यहां से डी क्या हो जाएगा 8s, डी के जगह पे 8s रखेंगे प्लस 264 इज इक्वल टू 20s, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 264 और 20 माइनस 8 12 इज इक्वल टू एस, ये कितनी बार में जाएगा 2 and 2, यानी कि ये कितना आ गया 22। इस अच्छा यहाँ पे क्या है किलोमीटर पर आवर में, और जबकि ये क्या है सेकंड है और ये क्या चीज में दे रखा था मीटर में दे रखा था, तो ये मीटर पर सेकंड में इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे 18/5 ये हो जाएगा 4.4 और 18 4 = 72 दैट मींस लास्ट में 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें है, सो द ऑप्शन इज डी, हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 क्या कहता है 4 men और 6 women, यहाँ पर देखो यहाँ ये क्या दिया है ए या फिर और, तो 4 men और 6 women, तो यहां से men अपॉन women का रेशियो क्या आ गया 3/2, तो इसी पे हम काम करेंगे। अब कहता है 4 men, तो 4 into men का men रख लिए और ये कितने दिन में कर रहे हैं 20 डेज में, m का वैल्यू क्या रखेंगे 3 अभी रखेंगे वेट, और क्या कहता है कि यही काम को 6 6 पुरुष और 11 महिलाएं, यानी कि एंड होगा यहाँ पर, यस ये एंड है यानी कंबाइन करना पड़ेगा, यानी 6 men plus 11 women इसको कितने दिन में करती हैं, तो इसको कितने दिन में करते हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं, नहीं दिया है यही निकालना है हमको, तो अब यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 into 3 into 20 और यहाँ पर 3 और 2 रखेंगे तो 6 3 = 18 और 11 2 = 22 22 + 18 ये कितना हो जाएगा 40 और D, और 20 से 40 कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में और 2 से 4 कितने टाइम्स में 2 यानी 2 3 = 6 यानी D का वैल्यू कितना आ गया 6। इज देयर इज अ ऑप्शन यस 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 नो सो नन ऑफ दिस है, तो आई थिंक हो सकता है क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। तो कहता है 11 वुमेन फिनिश द ओ, अच्छा यहाँ पे क्या कहता है फिनिश द डबल वर्क, यानी कि ये अपने जितने काम को थे उतने काम को ये 6 दिन में करते हैं, तो डबल वर्क को कितने दिन में करेंगे 6 का 2 = 12 डेज में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर फंबल करेंगे, नन ऑफ दिस दे भी रखा है, तुरंत यहाँ पर क्या करेंगे 6 डेज को आंसर करके चले आएंगे, बट आपको ध्यान देना है क्योंकि एग्जामिनेशन में ये सब ह्यूमन एरर होता है। ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है वो हम देखते हैं, क्या कहता है ए और बी मिलकर 12 दिनों में एक कार्य को करते हैं, दैट मींस कि ए प्लस बी डू द वर्क इन 12 डेज इज इक्वल्स टू, और यही काम जो है कंप्लीट द 12 डेज एंड बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, यानी बी और सी इसी काम को कितने दिन में करते हैं 16 डेज में करते हैं। ए वर्कड एट इट फॉर 5 डेज, अब ध्यान से देखो ए जो है 5 दिन काम करता है, फिर बी वर्कड एट इट फॉर 7 डेज, बी कितने दिन करता है 7 डेज करता है, एंड सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज, और सी जो है वो रिमेनिंग वर्क को 13 डेज में कंप्लीट करता है। तो पहले वर्क है कितना वो यहां से निकाल लेते हैं, तो ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा
तो ये आ जाएगा a प्लस बी, और b प्लस सी कितना आ जाएगा 4/3। यानी कि अगर यहाँ पे 4 को हम रख दें a प्लस बी की जगह, तो ये हो जाएगा 4 × 12, 12 × 4 = 48 टोटल वर्क है। अब यहाँ से देखिए 5 को मैं 5a और यहाँ से 5b को लेता हूँ, तो a प्लस बी हो जाएगा प्लस b प्लस सी है, तो b और c में से मैं 2 को लेता हूँ क्योंकि 5b तो ले चुका हूँ, तो 2 यहाँ पर b प्लस सी और प्लस 11c इज इक्वल्स टू 48। जहाँ नहीं समझ में प्लीज मुझे कमेंट करते रहना। और a प्लस बी का वैल्यू कितना है 4 है, और b प्लस सी का कितना है 3, तो 5 × 4 = 20 और प्लस 6 = 11c = 48। यानी यहाँ से c का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये हो गया 26 और 48, यानी कि c का वैल्यू आ जाएगा 22/11, दैट इज 2। यानी c की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई। और c को टोटल वर्क कितना करना है, क्योंकि पूछ कह रहा है यहाँ पर हाउ मेनी डेज वुड शी अलोन टेक टू कंप्लीट इट, c कितना समय लेगा, तो 48 काम है और 2 के एफिशिएंसी से करेगा तो कितना लेगा 24। इज देयर ऑप्शन, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कहता है, आइए उसको देख लेते हैं। 10 कहता है यस ए ट्रेपेजियम बेस्ट प्रिज्म विद टू पैरेलल साइड। तो मैंने क्वेश्चन 9 तक आपको बताया, तो मैं इतना तो उम्मीद करूंगा कि अगर आप सीरियसली हो गए और मेरे पूरे वीडियो को देखोगे तो एक क्वेश्चन तो आप जरूर बनाओगे, और बनाने के बाद आप मुझे जरूर बताना। आज ये सेट 3 है, तो डे 3 का ए ऑप्शन होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। और अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट भी करके जरूर पूछना कि इसका मुझे अगले क्लास में आप बता दो सर, तभी मैं बताऊंगा, अदरवाइज मैं इसको स्किप कर दूंगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए जो अपने एप्टीट्यूड सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि इस पढ़ाई के रिदम को इस लॉकडाउन पीरियड में भी अपने पढ़ाई के रिदम को कंटिन्यू रखें। प्लीज लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।